दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप के बहुत अच्छे हैं। कुछ सब्सक्राइबर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने बहुत दिन पहले रिक्वेस्ट रखी थी और कुछ की तो अभी आई है कि आप करियर पर रीडिंग लेकर आइए। तो मैं आ गई हूँ करियर पर रीडिंग लेकर। आपकी क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या है, जो भी कार्ड में आएगा, जो भी रीडिंग में आएगा, मैं आपको बताऊँगी। ओके, आके जो माइकल मेरे व्यूवर्स की हेल्प कीजिए। करियर वाइज आपका कैसा रहेगा आगे आने वाले दिनों में? आपका करियर में क्या, कैसी ग्रोथ रहेगी, या क्या ब्लॉकेजेस हैं कि आपको हील करना है? जो कुछ भी आएगा बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगी गाइस, ठीक है? चलिए, ओके आगे माइकल प्लीज हेल्प। फर्स्ट है द डेविल, ओ गॉड। कलेक्टिव है, देखो ये प्रेडिक्शन जो भी है कलेक्टिव है, जनरल है, तो बिल्कुल भी जज मत करना कि मेरे साथ तो मिले नहीं ये नहीं, ठीक है? जिसके साथ एनर्जी मैच कर रही, ठीक है, अदरवाइज आप कुछ भी गाइडेंस ले सकते हैं। सेकंड ये, थर्ड, सेकंड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारी कार्ड्स आ गए थे, मैंने दो ही लिए हैं। थर्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। गॉड, कैसी एनर्जी आ रही है भाई आप लोगों की करियर वाइज। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मजीशियन, वेरी गुड। चलिए मैं और निकालती हूँ कार्ड्स। गॉड, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स। ब्लॉकेजेस तो आपके लाइफ में, चैलेंजेस कह सकते हो, ऑब्स्टिकल्स कह सकते हो, ये हैं अभी गाइस। ओके, द एम्परर एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ सॉर्ड्स, जो कि अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप अब इस जो भी ये चल रहा है आपके साथ करियर वाइज, हेल्थ वाइज, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है फैमिली इश्यूज, लव लाइफ, सब कुछ ही तो आ गया है इसमें, तो मैं सब कुछ बता दूंगी आपको। ओके, टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि आप इस परेशानियों से निकल रहे हैं, क्योंकि आप अब अपनी पावर को समझ जाएंगे, आपको मैनिफेस्ट करना आ गया है या आ जाएगा। आप एक एम्प्रेस है, द डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है ना, द एम्प्रेस, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो बिल्कुल बिल्कुल आप आगे बढ़ेंगे गाइस। सबसे पहले आपको ये बता दूं, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है कहीं ना कहीं वो अभी तक हील नहीं थी, जिससे कि आप एक्शन ले सके। एक्शन टेकर होना बहुत ज़रूरी है, आप एक एक्शन टेकर हैं, लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं। आपके अंदर इस वक्त कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको ये लगता है कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या नहीं कर पाऊँगा, आपको टोटली कन्फ्यूज़न रहता है। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत लोगों ने आपको करियर में या कहीं भी कुछ भी आप करना चाहते हैं, कुछ भी आप करने के लिए जाते हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं, किसी से पूछते हैं, कुछ रास्ता निकालने के लिए कोशिश करते हैं कि कोई मुझे कोई रास्ता दिखा दे, तो आपको ऐसे लोग मिले जो आपको धोखा देते थे, जो आपको मैनिपुलेट करते थे, और इस रास्ते से आपको डाइवर्ट करके, मतलब कि आपका दिमाग भी पूरी तरह से मैनिपुलेट हो जाता था कि नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फिलहाल आ रही है, जो अभी ये टेम्प्रेरी फेज है। अगर मैं बोलूं तो ये एक आपका टेम्प्रेरी फेज है, ठीक है ना। आप बहुत हर्ट हैं इस वक्त, क्योंकि आपके अंदर की जो हर्ट्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बन के आपके सामने आ रहे हैं, आपके काम के बीच में, आपके करियर के, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, इवन वो उसके बीच में ये जो ब्लॉकेजेस है, जो भी चैलेंजेस आपके सामने है, वो एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन उससे डरते भी है। फियर की एनर्जी है, आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, आप चीज़ों को सोचते हैं कि चलो जैसे चल रहा है चलने देते हैं, और लेकिन आप एक एम्प्रेस की तरह रहना चाहते हैं, आपकी ये एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं,
आप इस पेन से निकलना चाहते हैं, जो जिस पेन में आप अभी हैं, ठीक है ना, वो पेन क्या है कि आपके पर्सन की वजह से आपको ये पेन मिला है, और ये जो पेन मिला है इसकी वजह से आप काम तो करते थे, अच्छे से करते थे, अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहे थे, अच्छे से आप जॉब भी करते थे, कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है मुझे, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आप लूज कर गए हैं, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर थोड़ा सा कम हो गया है, और आपको कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। आप करना चाहते हैं लेकिन काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। कुछ बच्चों की एनर्जी ऐसी आ रही कि फैमिली इश्यूज भी हो सकता है, कि अपनी फैमिली को की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर है और वो काम की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो एक बर्डन उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो आपको बर्डन लेकर नहीं चलना है, आपको सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर उस चीज़ को में अपना मन लगाकर, यानी कि पूरी डेडिकेशन के साथ उस तरफ, उस एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो ही आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन सफलता देखो तब मिलती है जब आप किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं और खुले दिल से उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं भी मिल रही है तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं कि अभी ठीक है, वो टाइम नहीं आया है। तो यही चीज़ है कि कुछ लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर फील हो रही है, मेरे को महसूस हो रही है, यहाँ पे एनर्जी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, घर बैठे काम करना चाहते हैं, या यूट्यूब से आप अपना अर्निंग करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी एनर्जी भी आ रही है, लेकिन वो चीज़ भी आपकी होगी। ठीक है, बट आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपको सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। ठीक है, जो आपकी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं। आपकी जो भी प्योर एनर्जी है उसको आप, आपके जो ये ऐसे लोग हैं इर्द गिर्द जिससे आप सोचते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं, लेकिन वो है नहीं, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी में, फोर्थ पार्टी में, या आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, उसके रिगार्डिंग आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, उसके चलते आप अपनी लाइफ में अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने जॉब करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं इस 3D लाइफ में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में, तो प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, आप लोग बिल्कुल करेंगे, आपकी एनर्जी है ऐसी, लेकिन आपको अंदर के जो भी आपके हर्ट्स हैं, जो भी वर्म्स हैं, उनको रिलीज करना है। ठीक है, और इस चीज़ से डिटैच होके फिर अपने करियर के बारे में सोचना है। तो ये शुरुआत आपकी आ रही है, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करने वाली है इस चीज़ में, जो भी चीज़ आप करेंगे अपनी फैमिली से आप सपोर्ट ले सकते हैं, उनसे प्यार से बैठ के बातें कीजिए, बात कीजिए कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसके बारे में उनको बताइए, और आप ये करेंगे तो आपकी फैमिली आपके काम को शुरू करने में, है ना, स्टार्टिंग इनिशिएटिव एक लेंगे आप, तो वो चीज़ आपकी क्या है उसमें आपको फायदा होगा। ठीक है ना, जिस भी काम को करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, दूसरा ये है कि आप एक मजिशियन है गाइस, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, आप बहुत ही प्रैक्टिकल भी हैं, आप बैलेंस्ड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस वक्त बैलेंस नहीं लग रहे हैं। बट आप अगर बैलेंस हो जाते हैं अपनी एनर्जीज को, अपनी सोच को, अपनी माइंड से, बॉडी से, सोल से आप अलाइंड हो जाते हैं इन तीनों चीज़ों से, तो गाइस आपको मैनिफेस्ट करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप आज एक रिचुअल कीजिए, अपने एक वाइट कागज लीजिए, उसमें डियर यूनिवर्स अपनी कोई भी 5 विश लिख लीजिए, 11 विश लिख लीजिए, क्योंकि आज 11 and 1 triple 1 का पोर्टल है, तो उसमें क्या है कि आपकी और साल की पहली अमावस्या है, न्यू मून है, तो यूनिवर्स में जो भी आप विश लिखकर आप सेंड करेंगे, बर्न करेंगे उसको और उसको ब्लो कर देंगे यूनिवर्स में, ये मेरे ये जो भी डिज़ायर है, जो भी मेरी विशेज हैं, वो पूरी हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, और उसको लेट गो कर देना है जब आप उसको ब्लो कर देंगे, यूनिवर्स में आप सेंड कर देंगे। ठीक है, तो
आप एक एम्परर है गाइज, आप एक मजिशियन, आप एक एम्परर की तरह है, आप उस तरह से उस पावर में बिल्कुल आ रहे हैं। और यहाँ पर आप कुछ चीजों में कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या चूज करूं क्या नहीं करूं, तो कंफ्यूज ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं अगर आप ये हटा लेते हैं तो आप बिल्कुल अपनी पावर में, आप एक डिवाइन मैस्कुलिन की तरह काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है आपको पहले तो बैलेंस करनी है, शिव शक्ति अपने अंदर का बैलेंस करना है, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी आपको अंदर से बैलेंस करनी है। थर्ड आई पर अपना काम कीजिए, ठीक है, थर्ड आई पर काम कीजिए तो आपकी शिव शक्ति बैलेंस होगा। अपने थ्रोट चक्र पे काम कीजिए तो आपको समझ आएगा कि आपको कैसे अपना ओपिनियन रखना है किस चीज़ के लिए, फैमिली के सामने या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब, वो चीज़ें आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके जॉब एंड करियर में। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि भाई ये ब्लॉकेजेस हैं, अगर आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो रीजन है आपके अंदर के ब्लॉकेजेस, जो आप एक स्ट्रेस, जो आप एक बर्डन, जो आप एक मैनिपुलेशन को लेकर चल रहे हैं, किसी के भी थ्रू आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, अपनी ऑरा को वीक कर रहे हैं। और एक फील्ड को अपने स्ट्रांग कीजिए और जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे आप पूरी तरह से उसमें सक्सेस पाएंगे, ओके। तो प्लीज़ जिसने भी आपको धोखा दिया है, जो भी हर्ट्स आपके हैं, पहले उनको हील कीजिए, ठीक है, लेट गो कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए और ये बोलिए कि यूनिवर्स आई वांट टू लेट गो दी ऑल दोज एनर्जीज, व्हाटएवर जो भी आपको किसी से भी मिली है, ठीक है, हु आर नो लॉन्गर सर्विंग यू, तो उसको यूनिवर्स में आप पूरी तरह से कह सकते हैं कि प्लीज़ ये एनर्जी मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसको आप यूनिवर्स में रिलीज़ कर दीजिए। ऐसे एनर्जीज रिलीज़ होती हैं, 21 डेज आप ये कीजिए, आपके अंदर के सारे ब्लॉकेजेस जो भी हैं रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप पर्सनल मेरे से सेशन ले सकते हैं। विक्ट्री बिल्कुल आपको मिलेगी गाइस, आपको विश्वास रखना है कि जो चीज़ हो रही है आपके अच्छे के लिए हो रही है। मैंने क्या बोला, अपने अंदर के जो भी फियर है, जो भी आप जिस चीज़ से भी आप डरते हैं, जो भी कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, और ये चीज़ों से आपको दूर रहना है, इन चीज़ों को लेट गो करना है। विक्ट्री आपकी लिखी हुई है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पावरफुल बने, ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है गाइस, और क्या ही बोलूं मैं, आके जो माइकल आपके साथ है, ठीक है। और बिल्कुल आप ग्राउंडिंग कीजिए, थोड़ा सा रूट चक्रा पे काम कीजिए, आके जो माइकल यही बोल रहे हैं, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि अपने रूट चक्रा को बैलेंस कीजिए, तभी आपका जॉब करियर, आपकी जो भी फाइनेंशली जो भी प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंस रिलेटेड, वो सभी दूर हो जाएंगी। आप रूट चक्रा पे काम कीजिए, ओके, पेशेंस रखिए, एकदम से कुछ नहीं होता है, जब आप हीलिंग करते हैं अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे तो बिल्कुल आपके आगे आपकी लाइफ में आपका प्यार भी वापस आएगा, आपकी आपका करियर भी चमकेगा और आप भी चमकेंगे। यस, पेशेंस रखो गाइस, बस अटैचमेंट नहीं रखना है, नेगेटिविटी से डील नहीं करना है, किसी भी तरीके का अटैचमेंट आपके लिए खतरनाक हो सकता है, आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग, आपके जॉब के रिगार्डिंग, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, डोर टू वैल्यू, बिल्कुल इस ये जो वैल्यू, इसकी वैल्यू करनी है सबसे पहले तो मनी से रिलेटेड कुछ भी अगर ब्लॉकेजेस है, आप सोचते हैं कि मेरे पास, अगर आपके पास एक रुपया भी है तो आप बोलिए कि यस यूनिवर्स मेरे पास है, यानी कि आपने ग्रैटिट्यूड पे किया है उस चीज, एक रुपये के लिए भी, तो एक रुपया आपको 100 रुपया देगा, 100 रुपया आपको 1000 रुपया देगा, 1000 आपको 10,000, एंड ऐसे बढ़ते बढ़ते ग्रैटिट्यूड आपको उस मकाम तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वो एक प्यारी सी एनर्जी आप जो यूनिवर्स में थ्रो करते हैं, सेंड करते हैं, वो मल्टीप्लाई होके आप ही को मिलती है ना। तो इस चीज की वैल्यू आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे इसका मिरेकल आपकी लाइफ में कैसे होता है। जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके अगेंस्ट हैं, मैंने क्या बोला, जो आपको धोखा दे रहे हैं, उनसे आपको बचना है गाइस। अपने थ्रोट चक्र पे काम करना है, और थ्रोट चक्र पे काम करेंगे तो बिल्कुल आपकी लाइफ में जो भी आपको
करियर से रिलेटेड या आपकी लाइफ में जो आप बनना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, ठीक है, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जो भी आपका गोल है, उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ओके, और मैं किससे देख सकती हूँ आप लोगों के लिए? ओके, यूनिवर्स से मैसेजेस मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। सरेंडर, ओके, सरेंडर टू द डिवाइन। तो सरेंडर करना है अपनी जो भी परिस्थिति चैलेंजेस है, सरेंडर इन द सेंस कि आप अपनी परिस्थिति यूनिवर्स को सौंप दीजिए कि प्लीज ये जो भी सिचुएशन है मेरे से नहीं हैंडल हो रही है, प्लीज आपको मैं सौंपती हूँ, सौंपता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिवाइन रास्ता दिखाएंगे बिल्कुल, जब आप उनका हाथ थाम लेते हैं। लुक, सॉरी, लक इज ऑन योर साइड क्योंकि भाग्य अब आपके साथ है इस रीडिंग को देखने के बाद। अ टाइम फॉर हीलिंग, बिल्कुल ये टाइम जो है हीलिंग का है, आपको हीलिंग जरूर करनी है। कम्युनिकेशन इसकी, जो भी थॉट चक्र पे काम कीजिए आप, कम्युनिकेशन आप ठीक से बात नहीं करते हैं, हेल्दी कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, और जब ये होगा तो फिर आपके रिश्ते खुलेंगे गाइस, किसी के साथ भी है। सॉरी, एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है ना, आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं, डोंट वरी, वो आपकी हेल्प करेंगे। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, उसका वक्त आ गया कि अब वो पूरी तरह से उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपके सामने आएगा। कॉन्फिडेंस इज की टू योर सक्सेस, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर का जो आत्मविश्वास है बढ़ाइए, जगाइए उसको, उसको कम मत होने दीजिए, और जो आपकी कमजोरी उसको अपनी ताकत बना लीजिए। तो करियर तो क्या आप किसी भी एरिया में अपने, है ना, जीत हासिल कर सकते हैं, विक्ट्री आपको मिलेगी। तो इसी के साथ मैं सम अप करती हूँ रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।